बघायला मिळते. सुवीर स्पोर्ट्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट जान्हवी स्पोर्ट्स, चला दोन्ही संघनायक, वेल वाया घालू नका, आपण लगेच क्षेत्रक्ष सजवा आणि लगेच दोन फलंदाज आपण रेडी राहा. कारण आपण ओबले प्रीमियर लीग बघितली तर या लीगमध्ये जवळपास 12 संघ आणि 12 संघांना 5 वेळा चान्स, म्हणजे आपल्या मॅचेस एकूण आपल्याला खेळवायचे आहेत 38 मॅचेस एकूण लीग मॅचेस खेळवायचे आहेत. त्यामुळं कुठल्याही प्रकारची डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा खरं तर आणि कुठल्याही प्रकारचा उशीर व्हायला नाही पाहिजे. त्यामुळं ताबडतोब आपण कुठल्याही क्षणाचा विलंब नका करू आणि लगेचच सामने सुरुवात करू. दुसरी मॅच आपल्या भेटीला येते सुवीर स्पोर्ट्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट जान्हवी स्पोर्ट्स. 5 षटकांचा सामना आहे. समोर दोन फलंदाज आपल्याला बघायला मिळत आहेत. स्ट्रायकर एंडवरती फलंदाज अश्विन पाटील आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला समाधान गायकवाड फलंदाजी मार्गवरती येत आहेत. गोलंदाजी ट्रॅकवरती पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज येत आहेत. दुसरी मॅच पहिलाच बॉल लॉंग लेगला फटका सुंदर आहे, येतोय जे डब्ल्यू एल चौकार पहिल्याच बॉल वरती. थँक यू डीजे, पहिला चौकार आलाय. फलंदाजी करत असताना आपल्याला फलंदाज अश्विन पाटीलच्या बॅट मधून श्रेयस मुंगाजी वरती चढवलाय हा प्रति हल्ला, पहिल्याच बॉल वरती फेकलाय चौकार. इथून फटका, अजून एक सुंदर आहे, अजून एक ऍप सिलेक्शन, अजून एक लॉंग लेग रिजन मध्ये येतोय दर्जेदार जे डब्ल्यू एल चौकार. थँक्यू डीजे, दोन चेंडू आणि लागोपाठचे दोन चौकार अश्विन पाटील. मैदानामध्ये हल्ला चढवण्याचं काम, 5 षटकांचा सामना, किती पर्यंत टार्गेट सेट करेल अश्विन पाटील फलंदाजी करत असताना. नेक्स्ट बॉल सन्मान दिलाय चेंडूला, तिथे शॉर्ट लॉंग लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत अडवणी करतील थोडस फंबले, एक धाव तिथे चोरले फलंदाजाने. फलंदाज अश्विन पाटील बॅक टू बॅक दोन षटकार मारले तर प्रेमचंद पाटील साहेबांकडून 2000 आणि गोलंदाज तुम्ही श्रेयसला पाहता, त्याने देखील बॅक टू बॅक 2 विकेट घेतले ना, त्याला देखील प्रेमचंद साहेबांकडून 2000 रुपये दिले जातील, दोघांना कॅश प्राईज. थँक्यू प्रवीण सर, सुवर्ण संधी खरं तर फलंदाजासाठी आणि गोलंदाजासाठी. खरं तर ओबले गावाच्या मानाची, सन्मानाची आणि अभिमानाची आपण क्रिकेट स्पर्धा बघतोय. आज बक्षिसांची खैरात सुद्धा आपल्याला मैदानावरती बघायला मिळेल, कारण गावचेच खेळाडू आज आपल्याला या ओवले प्रीमियर लीगमध्ये खेळताना दिसतील. नेक्स्ट बॉल, इथून फुल टॉस बॉल डिलेव्हर करायचा होता, तिथून फडका फसला होता, तिथे शॉर्ट थर्डमॅन रिजनला अडवणी केली गेली आणि आल्यात अजून 2 धाबा, धावपुस्तकावरती ॲड केल्या जातील. या बाईकच्या स्वरूपात 2 धाबा, पंचांचा इशारा येतोय. जे डब्ल्यू एल पुरस्कृत ओवले प्रीमियर लीग 2024 आपण एन्जॉय करतोय आणि लाईव्ह प्रक्षेपण आपण बघतोय यूट्यूबच्या माध्यमातून, 24 लाईव्ह इव्हेंट्स, त्यांचं सुद्धा करूयात स्वागत. पुढचा बॉल धावपुस्तकावरती धाबा आपल्याला बघायला मिळत आहेत, 9 धाबा, फटका सुंदर आहे, सरळ येते ब्लॅक स्क्रीनवरती, अजून एक दर्जेदार जे डब्ल्यू चौकार. थँक्यू डीजी, जे डब्ल्यू पुरस्कृत ओबले प्रीमियर लीग 2024, जे डब्ल्यू द मार्क ऑफ ट्रस्ट. खरं तर लॉजिस्टिक इम्पोर्ट एक्सपोर्टचं हे सुंदर आपल्याला बघायला मिळतंय, खूप चांगले लॉजिस्टिक. आणि येते अजून एक रन आणि पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक आणि पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्यात फलंदाजी करत असताना सुवीर स्पोर्ट्सच्या लॉस ऑफ 0 विकेट.
6-3 16 धावा धाव पुस्तकावरती. मॅचसाठी ज्यांनी पुरस्कृत केली आहे ते आमच्या अरुण पाटील सायनेट चे प्रोप्रायटर आहेत. सायनेट तुमचा आभार तुम्ही इंटरनेट दिल्याबद्दल. आणि या मॅचमध्ये शेवटपर्यंत 3 विकेट 3 षटकार लगातार आले तर आमचे भाया प्रतीक्षेत पाटील यांच्याकडून 1000 एका गोलंदाजाला आणि एका फलंदाजाला दिले जातील जो हॅट्रिकची कामगिरी करेल. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स 16-0 मनोज ठाकूर. थँक्यू प्रवीण सर. खरं तर आपण बघतोय JW द मार्क ऑफ ट्रस्ट लॉजिस्टिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी आणि त्यांचे खरं तर प्रोप्रायटर ललित सर जोबनपुत्रा, राज सर जोबनपुत्रा आणि कृती मॅम त्यांचं सुद्धा करूयात आपण लाईव्हच्या माध्यमातून खूप खूप आभार व्यक्त करूयात. दुसरी षटक, दुसऱ्या षटकातला पहिला बॉल चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झालाय, लॉग ऑफच्या डोक्यावर ना येतोय दर्जेदार JW षटकार. थँक यू डीजे. ओवले प्रीमियर लीग 2024 JWR पुरस्कृत आपण बघतोय ही प्रीमियर लीग उबले गावाच्या मानाची सन्मानाची आणि अभिमानाची स्पर्धा. पुढचा बॉल अजून एक चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झालाय मिड विकेटच्या डोक्यावर ना अश्विन पाटील. 2 चेंडू येत आहेत लागोपाठचे 2 षटकार. मग शिकाऱ्याच्या गायकवाड एक आला ना तर आमचे भाया शेठ प्रतीक पाटील यांच्याकडून 1000 दिले जातील हॅट्रिक. खरं तर षटकार हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती आणि ओबले प्रीमियर लीग मधली पहिली षटकार हॅट्रिक ठोकेल का सर्व प्रेक्षकांच्या आणि सर्व खेळाडूंच्या नजरा या फलंदाजांकडे असतील. 2 चेंडू आणि लागोपाठचे 2 षटकार आलेत. नेक्स्ट बॉल गोलंदाजी मार्गवर आपल्याला बघायला मिळतोय. फटका इथून खेचायचा होता तिथे बॅट आणि चेंडूचा एवढा संपर्क झाला नाही आणि फलंदाज होतोय रनआउटचा शिकार. पहिला दे धक्का टीम सुवीर स्पोर्ट्सला आलाय फलंदाज बाद होतोय ज्याच्या बॅटमधून 2 चेंडू 2 षटकार बघायला मिळाले मात्र तो परततोय मैदानाच्या बाहेर रनआउटचा शिकार. समाधान गायकवाड. रजत मात्रे आता इन ऍक्शन आपल्याला स्ट्रायकर एंड वरती बघायला मिळेल. अश्विन साजन मुंगाची गोलंदाजी मार्गवर आपल्याला बघायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल फटका इदू केचायचा होता चेडू सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये गेलाय. अलाइट डॉट बॉल. पहिल्या षटकांमध्ये जशा प्रकारे 16 धावा आल्या त्याच नंतर दुसऱ्या षटकामधील 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार आले
व्यासपीठावरती आत्ता ज्यांचे शुभागमन झाले ते सन्मान्य श्री रतनजी दापोलकर 24 लाईव्ह इव्हेंट ज्यांनी पुरस्कृत केली वेबसाईट. रतनजी दापोलकर यांचं आपण स्वागत करूया आणि आभार व्यक्त करूया की ज्यांनी एवढी चांगली वेबसाईट आम्हाला दिली, ज्यांच्याकडे 2.5 लाखपेक्षा अधिक सबस्क्राईब आहेत, ज्याने मोठी रायगड प्रीमियर लीग टेलिकास्ट केली. रतनजी दापोलकर साहेबांचं मनापासून आभार. प्रत्येक पाहुण्याने काही ना काहीतरी आमच्या स्पर्धेला दिलं आहे आणि खास करून ग्रामस्थ मंडळ ओवळे, काहीने इंटरनेट सुविधा दिली, काहीने वायफाय ट्रॉफ्याज दिल्यात, मॅन ऑफ द सिरीजचे चषक असतील आणि JW या कंपनीचं देखील मोलाचं योगदान आहे ओवळे प्रीमियर लीग 2024. थँक्यू प्रवीण सर, खरं तर मोलाचं योगदान JWL कंपनीचं आणि सर्व आपल्या ओवळे गावाच्या ग्रामस्थांचं आपल्याला बघायला मिळतं आहे आणि त्यांच्या सहकार्यानं ही साकारलेली क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळते. JWR पुरस्कृत ओवळे प्रीमियर लीग 2024. दुसरं षटक संपलं, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपल्याला धावपुस्तकावरती बघायला मिळत आहेत. लॉस ऑफ 1 विकेट 30 रन 30 धावा धावपुस्तकावरती बघायला मिळत आहेत. 5 षटकांचा सामना आहे प्रवीण सर आणि 5 षटकामध्ये जर अशी फलंदाजी राहिली ना तर आपल्याला धावपुस्तकावरती 80-90 धावा बघायला मिळतील आणि 80-90 धावांचा पाठलाग आपल्याला द्वितीय सत्रामध्ये करायचा आहे. जर इथून गोलंदाजी खातक राहिली तर धावांवरती अंकुश लावण्याचं कार्य करण्यात येईल, मात्र इथून गोलंदाजी घातक करावी लागेल, गोलंदाजांना कमबॅक करावं लागेल. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या 16, त्याचनंतर धावा आपल्याला बघायला मिळाल्या दुसऱ्या षटकामध्ये 14 धावा. धावपुस्तकावरती आपल्याला धावा बघायला मिळत आहेत. 30 धावा धावपुस्तकावरती बनल्या जात आहेत. 2 षटक संपलेत आणि 30 धावा धावपुस्तकावरती बघायला मिळत आहेत. पहिलाच बॉल इथून चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झालाय, आलाय अजून एक दमदार JW षटकार. थँक यू डीजे. पहिल्या चेंडूवरचे षटकार ठोकलाय प्रज्योत मात्रेनं. गोल फलंदाजी करत असताना आपल्याला ऑन स्ट्राईक फलंदाज बघायला मिळतोय. इथून लोअर फुल टॉस बॉल होता, तिथे लाईन चेक केली जाईल, अंपायर इशारा येतोय वाईटचा. अजून एक धाव एक्स्ट्रा रन आपल्याला बघायला मिळेल. इथे टीमच्या खात्यामध्ये जॉईंट केली जाईल. आलाय डॉट बॉल मागच्या चेंडूवरती, ज्या प्रकारे षटकार आला त्याचनंतर वाईट बॉल आला आणि त्याचनंतर इथून कमबॅक करताना आपल्याला बघायला मिळतोय. विद्याधर मात्रे गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती आहेत. अशी गोलंदाजी करावी लागेल, वारंवार डॉट बॉल फेकावे लागतील, प्रेशर निर्माण करावं लागेल आणि तेच प्रेशर निर्माण करण्याचं कार्य विद्याधर मात्रेच्या माध्यमातून गोलंदाजी ट्रॅकवरती आपल्याला बघायला मिळत आहेत. विद्याधर मात्रे अशा प्रकारे जर डॉट बॉल आले ना तर फलंदाजांवरती प्रेशर निर्माण होईल आणि एखादा चुकीचा फटका फलंदाज खेचतील आणि तिथून फलंदाजांना आउट करण्यात यशस्वी ठरतील. हाच नियर निर्णय इथे आपल्याला गोलंदाजी करताना विद्याधर मात्रेच्या माध्यमातून बघायला मिळतोय. फटका सुंदर आहे, लॉंग लेगला तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. जोपर्यंत फेकतील तोपर्यंत सहजरित्या अजून 2 धावा आपल्याला धावपुस्तकावरती ॲड होताना दिसतील. उत्कृष्ट गोलंदाजी आपल्याला विद्याधर मात्रे यांच्या माध्यमातून बघायला मिळते कारण पहिल्या चेंडूवरती ज्या प्रकारे षटकार आला ना त्याचनंतर वाईड बॉल आला, त्याचनंतर लागोपाठचे 2 बॉल डॉट फेकले आणि 4th बॉल आल्यात 2 धावा. इथून फटका मात्र सुंदर आहे, फटका फसलाय की काय, क्षेत्ररक्षक आहे चेंडू खाली जज करतायत मिडविकेटला. अजून एक विकेट मैदानाच्या बाहेर होतोय. फलंदाज प्रज्योत मात्रे. थँक्यू श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, त्यांना सुद्धा देऊया त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिबार माणाचा मुजरा. आणि मॅच आपल्याला बघायला मिळते सुवीर स्पोर्ट्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट जानवी स्पोर्ट्स. इथून फटका अलॉंग द कार्पेट चेंडूला खेळून काढलेत. लॉग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत, जोपर्यंत फेकतील तोपर्यंत फक्त सिंगलचं कलेक्शन. मागच्या चेंडूवरती विकेट पडली आहे, नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये एंटर झाला, सेफ फटका तिथे सेफ राहण्याचं काम. 3 षटक संपत आहेत. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपुस्तकावरती आता धावा आपल्याला बघायला मिळत आहेत.
तिसऱ्या षटकामध्ये आल्या फक्त 10 धावा आणि विकेट मिळवली 1. 40 धावा होत आहेत धाव पुस्तकावरती. लॉस ऑफ 2 विकेट, 40 रन ऑन स्कोर बोर्ड. मध्ये आल्या 16 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 14 धावा, मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त 10 धावा. पहिल्या चेंडूवरती अशा प्रकारे षटकार ठोकला होता ना, असं वाटलं होतं की या षटकामध्ये सुद्धा 15-20 धावा येतील, मात्र त्याचनंतर कमबॅक केलंय गोलंदाज आपल्याला विद्याधर मात्रे आपल्याला बघायला मिळाले. गोलंदाजी ट्रॅक वरती त्यानं कमबॅक केलं आणि 10 धावा फक्त खर्च केल्या, 10 धावा. एक षटकार त्याच्या गोलंदाजीवरती आला, मात्र त्याचनंतर फक्त 5 चेंडूमध्ये 4 धावा खर्च केल्या, आल्या 10 धावा. धाव पुस्तकावरती 10 धावा होत आहेत. 3 षटक संपल्यानंतर 40 धावा धाव पुस्तकावरती होत आहेत. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवरती अजय गायकवाड, पहिलाच बॉल अलॉंग द कार्पेट, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तिथे. लॉग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत, फक्त अजून एक सिंगलचं कलेक्शन राहील. थ्रो तेवढा अचूक राहिला नाही, मात्र बॅकअप तेवढा चांगला आलाय. पंचांचा इशारा येतोय इथून, नो बॉल. आणि पंचांचा इशारा नोचा आलाय. चला अंपायर तिसऱ्या पंचाची इथे मागणी केली जाते आमच्या ऑफिशियल टीम 24 लाईव्हची, इथे चेक करेल. चला अंपायर्स कॉल, थर्ड अंपायर्स कॉल येतोय, नो बॉल. चला हा नो बॉल, थर्ड अंपायरचा कॉल येतोय. इथून चाचपणी केली चेंडूची, हाईट फॅक्टर तिथे चेक केलं आणि अंपायरचा कॉल आलाय नो बॉल. म्हणजे ही अजून एक धाव एक्स्ट्रा जी मिळेल अकाउंटमध्ये ॲड केली जाईल. धाव पुस्तकावरती आपल्याला 10 धावा बघायला मिळत आहेत, 42 धावा. या चेंडूवरती फ्री हिट असेल. समोर फलंदाजी मार्गवरती आपल्याला बघायला मिळेल अश्विन पाटील, अजून एक बीमर. आणि इथून गोलंदाज आता या सामन्यासाठी बाद केला जाईल. खरं तर आपण बघतोय क्रिकेटमध्ये खूप सारे नियमामध्ये नियम चेंज झालेत आणि त्या नियमानुसार आपल्याला इथून गोलंदाज बाद ठरताना दिसतोय. या सामन्यासाठी गोलंदाज बाद केला जाईल. त्याच्या माध्यमातून 2 बॉल बीमर आलेत. तर या OPL मध्ये 2 दिवसाचे OPL आहे, मला वाटतं उद्या फायनल असेल. आणि OPL मध्ये जो खेळाडू व्यक्तिगत 50 धावा कुठेल ना अर्धशतक, त्याला प्रतीकदादा पाटील भाये यांच्याकडून, प्रतीकदादा आणि जगदीश यांच्याकडून 2000 रुपये त्या खेळाडूला दिले जातील. चला यानंतर टॉससाठी आमोदित करतो आयन स्पोर्ट्स आणि लेपर्ड्स 11 दोन्ही संघांना एक टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे. शेवटपर्यंत या पारितोषिक असणार आहे हॅट्रिक किंवा 50 धावांसाठी. आयन स्पोर्ट्स आणि लेपर्ड्स 11 कॅप्टन टॉससाठी रिपोर्ट करायचं आहे. चला नेक्स्ट मॅच आयन्स 11 आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करेल लेपर्ड्स 11. चला दोन्ही संघनायक आपण इनिंग्स ब्रेक्समध्ये इथे नाणेफेकी करण्यासाठी इथे संपर्क करायचा. खरं तर गोलंदाज बाद झालेत, लागोपाठचे 2 बीमर आपल्याला बघायला मिळाले. आणि क्रिकेट जगतामध्ये खूप सारी नियमावलीमध्ये बदल झाला आहे आणि त्या नियमानुसार इथून गोलंदाजाला बाद घोषित करण्यात आलं या सामन्यासाठी. आणि धावपुस्तकावरती आपल्याला 10 धावा बघायला मिळत आहेत, 43 धावा. कस्तुवाले नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवरती, 14 षटक सुरू आहे आणि 43 धावा धाव पुस्तकावरती. या चेंडूवरती फ्री हिट नक्कीच असेल, फ्री हिट ऑन असेल आणि या चेंडूवरती सर्वांच्या नजर असतील. कारण समोर फलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय अभिजित मात्रे, मिड ऑफला तिथे अजून एक नो बॉल येतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव केला, नो बॉल वर क्षेत्ररक्षण खर तर बदलवायचं नसतं. आणि
आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये खरं तर बदलाव केला त्याचसाठी आलाय हा नो बॉल. वारंवार हे नो बॉल आपल्याला बघायला मिळत आहे टीम जानवी स्पोर्ट्स करून. अजून एक फ्री हिट आपल्याला बघायला मिळते. फ्री हिट कंटिन्यू असेल, खरं तर चार बॉल झालेत आणि फ्री हिट कंटिन्यू आहे. धावपुस्तकावरती आता धावा बघायला मिळतात 45 फटका. अजून एक फसलाय चेंडू हवेमध्ये, मात्र या चेंडूवरती फ्री हिट असेल आणि आली आहे फक्त सिंगल. पहिला बॉल इथून संपलाय. खरं तर विचार केला जानवी स्पोर्ट्सचा तर एक चेंडू फेकण्यासाठी त्यांना चार बॉल फेकावे लागले, तेव्हा एक चेंडू कम्प्लीट झाला आणि धावपुस्तकावरती 46 धावा आपल्याला धावपुस्तकावरती बघायला मिळतात. कस्तुभ आहेत गोलंदाजी मार्गवरती आणि 46 धावा आपल्याला धावपुस्तकावरती बघायला मिळतात. इथून फटका अलॉंग द कार्पेट चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीपमध्ये लॉग ऑनला. क्षेत्ररक्षक आहेत, फेकतील फक्त सिंगलचं कलेक्शन. सिंगल डबलला प्राधान्य देत असताना आपण हे दोन फलंदाज बघतोय. खरं तर अश्विन पाटीलचा विचार केला पहिल्या क्रमांकाचा फलंदाज अजून मैदानामध्ये फलंदाजी करण्यासाठी आपल्याला बघायला मिळतोय. आणि त्याच्या समवेत आपण चौथ्या क्रमांकावरचा फलंदाज अभिजित मात्रे बघतोय फलंदाजीच्या मार्गवरती. आता स्ट्रायकर एंडवरती अश्विन असेल आणि आलाय डॉट बॉल. क्रिकेटचं जे ब्रह्मास्त्र होतं यॉर्कर लेंथवरती गोल, यॉर्कर लेंथवरती चेंडू आदळला आणि आलाय हा डॉट बॉल. स्ट्रायकर एंडवरती आपल्याला फलंदाज बघायला मिळतोय अभिजित मात्रे आणि नॉन स्ट्रायकर एंडवरती पहिल्या क्रमांकाचा फलंदाज अश्विन पाटील. नेक्स्ट बॉल इथून फटका खेचायचा होता, पंचांकडे अपील मागितली जाते. पंचांनी दाद इथून अंपायरचा कॉल खूप उशिरानंतर येतोय. फलंदाज बाद, चला अंपायर्स कॉल्स, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. आपल्या गावची प्रीमियर लीग आहे, चला फलंदाज कोऑपरेट करा, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. इथून फलंदाज लेग बिफोर विकेट LBW शिकार होतोय. चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय अभिजित मात्रे. आता मैदानाच्या बाहेर पडते डीजे. आणि आमचे प्रतीक पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज, खरं तर सुदर्शन मात्रेसाठी सुवर्ण संधी. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज प्रतीक पाटील साहेब उर्फ फाया यांच्या माध्यमातून आपल्याला 500 रुपयाचं कॅश प्राईज बघायला मिळते. नेक्स्ट बॉल आपल्याला इथे डॉट बघायला मिळाला आणि फलंदाजाने चुकी केली, होतोय रनआउटचा शिकार. गोल्डन डक खरं तर फलंदाज बाद होतोय. सुदर्शन मात्रे बॅक टू द डगआउट. झालेत शेवटचा बॉल शिल्लक असेल आणि धावपुस्तकावरती 47 धावा. असं वाटलं होतं पहिलाच बॉल नऊ फेकला त्यानंतर महागडी गोलंदाजी करेल, मात्र तिथून कम बॅक केलंय. शॉर्ट लॉग ऑफला तिथे मिड ऑफला अडवणी केली गेली. अजून एक फलंदाज रनआउटचा शिकार. आता पवेलियन शांत असेल सुवीर स्पोर्ट्स, कारण वारंवार हे फलंदाज रनआउटचे शिकार होत आहेत. चार षटक संपलेत आणि चौथ्या षटकामध्ये खरं तर चार बॉल नऊ आले आणि
धावा आल्या चौथ्या षटकामध्ये फक्त 7, त्यामधील 4 धावा एक्स्ट्रा आल्या तरी गोलंदाज कस्तुबनं कमबॅक केलं आणि त्यानं धावा एकूण खर्च केल्या 7 धावा, 47 धावा स्कोरबोर्डवरती. 4 षटक संपलेत. ते 4 षटक संपलेत आणि धाबांवरती अंकुश लावण्याचं कार्य 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 47 धाबा. चला इथून कॉल असेल अयान स्पोर्ट्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करताना लेपर्ड्स 11. आपण लगेच टॉस बॉक्समध्ये संपर्क करा. इनिंग्स ब्रेकमध्ये आपला टॉस केला जाईल. पहिलाच बॉल, 5वं षटक, चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झालाय, मिडविकेट क्लिअर केलंय, आलाय पहिल्याच बॉलवरती 5व्या षटकामध्ये. ब्रँडेड 6 JW6 षटकार. थँक्यू डीजे. पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकलाय. फलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय अश्विन पाटील. खरं तर अश्विन पाटीलचा विचार केला पहिल्या क्रमांकाचा फलंदाज आहे आणि त्याच्याकडून संघाला अपेक्षा असतील आणि त्याच अपेक्षेनं आपल्याला फलंदाजी करताना बघतोय. 8 चेंडू आणि त्याच्या बॅटमधून आल्यात 18 धाबा. खरं तर उत्कृष्ट फलंदाजी राहिली आहे अश्विन पाटीलची फलंदाजी करत असताना. मात्र दुसरा बॉल, इथून कमबॅक केलाय विद्याधर मात्रे. फेकलाय डॉट बॉल, पहिल्याच चेंडूवरती षटकार आणि त्याचनंतर डॉट बॉल आलाय. हे सामने आपण बघितले ना JWR पुरस्कृत प्रीमियर लीग या सामन्यांमध्ये कधी काय घडेल आणि काय बिघडेल हे सांगू शकत नाही, कारण गावची प्रीमियर लीग आहे आणि या गाव ओवले गावाच्या माळाची सन्मानाची आणि अभिमानाची क्रिकेट स्पर्धा आहे. या चेंडूनं जे काय घडलंय, तिथे चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झाला होता, नो मॅन्स लँड तिथे डिलेव्हर झाला बॉल आणि आल्यात या बॉलवरती 2 धाबा. धावपुस्तकाचा विचार केला, धावपुस्तकावरती धाबा होत आहेत 55 धाबा, धावपुस्तकावरती कम्प्लीट होत आहेत फलंदाजी करत असताना सुवीर स्पोर्ट्सच्या. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 3 चेंडूंवरती इथे फटकेबाजी करावी लागेल. इथून फटका अजून एक सुंदर आहे, डीप मिडविकेटला तिथे अडवणी केली गेली आहे, दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न आणि 2 धाबा इथून सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. सिंगल डबलला प्राधान्य, पहिल्या चेंडूवरचे षटकार आला त्याचनंतर सिंगल डबलला प्राधान्य. आपल्याला फलंदाज अश्विन पाटीलच्या बॅटमधून येत आहेत 2 धाबा. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत आणि 2 बॉलवरती इथेहून फटकेबाजी करावी लागेल. अश्विन पाटीलला फलंदाजी करत असताना आणि त्याच दिशेनं फटका सुंदर आहे मिडविकेटच्या डोक्यावरनं येतोय खूप मोठा JW षटकार. लेपर्ड्स 11 मध्ये होणार संघनायक टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करायचंय यानंतरची लढत. शेवटचा एक बॉल बाकी आणि आपण टॉसकडे जाऊ. मनोज ठाकूर. थँक्यू प्रवीण सर. शेवटचा एक बॉल शिल्लक आहे आणि मागच्या चेंडूवरती मिडविकेटच्या डोक्यावर षटकार आलाय. आता या चेंडू नजीक कोणता फटका असेल, चेंडू हवेमध्ये अजून एक फ्लाय झालाय, लॉग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत, कुठल्याही प्रकारची चुकी नाही आणि शेवटच्या बॉलवरती मिलवली आहे अश्विन पाटीलची विकेट. पहिलं सत्र संपलंय. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर सुवी स्पोर्ट्स धाबा झाल्यात 63 धाबा आणि जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत आपल्याला. त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करत असताना जान्हवी स्पोर्ट्स बघतोय आणि जान्हवी स्पोर्ट्सला बनवायचे आहेत 5 षटकामध्ये 64 64 धाबा बनवायचे आहेत जिंकण्यासाठी. टॉस बॉक्स मध्ये लेपर्ड्स 11 दोन्ही संघनायकचे संघनायक जोडले गेलेत. कॅप्टन JL साहेबांच्या शुभासे टॉस केला जातोय. 5 ओव्हरची मॅच, 3रा सामना. चंदन लेपर्ड्सचे संघनायक आहेत आणि
आयन स्पोर्ट्स संघनायक धीरज आहेत. चेल साहेबांची टॉस कॉलिंग कोण करेल? लेपर्ड्स कॉलिंग करतील. चंदन हेड अँड टेल एक रुपयाचा कॉईन आहे, चांदीचा कॉईन आहे तो, सिल्वर कॉईन. टेल इज ऑल टिपिकल हेड. आयन स्पोर्ट्स वॉन द टॉस आणि आपला निर्णय कळवायचा आहे. तोपर्यंत मॅचकडे आपण जाऊया. चेल साहेबांच्या शुभास्ते टॉस. प्रतीक पाटील यांचे वडील आहेत ते, चांगलं योगदान त्यांचं. आपण आसनग्रहण करा, आपलं देखील स्वागत. जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये आणि आपल्यासोबत जोडले जातील दुसऱ्या सत्रामध्ये सोनूजी सांगडे सर, वावनजी आणि थोड्याच वेळामध्ये आमचे बंधू दिनेश पाटील सरांचं इथे शुभागमन होणार आहे. जानवी स्पोर्ट के लिए तो उनके आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर त्वरित यहाँ पर जानी है. आपसे गुजारिश रहेगी ज्यादा समय जाया ना कीजिए. डे नाइट की बड़ी प्रतियोगिता हम देखते हुए जेडब्ल्यू यानी कि ओवले प्रीमियर लीग 2024 के सुवर्ण मंजर. आयन स्पोर्ट्सचे सर्व खेळाडू, तुमचा जो डगआउट आहे ना, आयन स्पोर्ट्सचा बॅनर आहे, तिथे जायचं आहे. आयन स्पोर्ट्स तुमचे कॅप्टन तिथे तुमची वाट पाहत आहेत. सर्व खेळाडू आयन स्पोर्ट्स आहे, तुमच्या बॅनर जवळ जा लगेच. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तो निश्चित यहाँ पर मुकाबला काफी बड़ा होगा क्योंकि देखा है तो बल्लेबाजी के माध्यम से मुकाबले में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी. बल्लेबाज अश्विन पाटिल ने तो उसके यहाँ पर कर्रा जवाब देना होगा. इस वक्त देखा जाए तो जानवी स्पोर्ट टीम के लिए काफी बड़ी चुनौती रहेगी. आने वाले 30 गेंदों में 64 रन यानी कि एक बड़ा टारगेट चेस करने के रहा से मैदान के अंदर अच्छी बल्लेबाजी करना काफी जरूरत इस वक्त बल्लेबाजों को. तो जाइए मैदान के अंदर बल्लेबाज, ज्यादा समय ना जाया कीजिए. मुकाबले की जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए क्योंकि देखा जाए तो आज दूसरा मुकाबला जरे तकरीबन 12 बजने का यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे. तकरीबन देखा जाए तो एग्जैक्ट टाइम 11:55 का हो चुका है. आप आइए मैदान के अंदर. तो बल्लेबाज मैदान के अंदर में नजर आएंगे. इस वक्त देखा जाए तो 64 रनों का चेस करते हुए यानी कि एक मैराथन इनिंग यहाँ पर जरूर है. इस वक्त मनोज देखा जाए तो इस मुकाबले में जिस प्रकार बल्लेबाजी हुई थी अश्विन के माध्यम से उसी प्रकार की बल्लेबाजी समाधान ने भी काफी बढ़िया की थी और उन दोनों के चलते हुए मुकाबले में काफी यहाँ पर रंगत देखने को मिली पहले सत्र में. दूसरा सत्र का यहाँ पर आपको देखा किस प्रकार को होगा देखने वाली बात होगी क्योंकि बनाने हैं 30 गेंदों में 64 रन. काफी यहाँ पर बड़ा मुकाबला, 5 ओवर में यहाँ पर 64 रन यानी कि एक अच्छी बल्लेबाजी होना काफी जरूरी है इस वक्त जानवी टीम के माध्यम से. तो आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जाती हुई जिनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा जताया जानवी टीम के कप्तान ने. तो बल्लेबाजी के माध्यम से मैं बल्लेबाज नजर आएंगे विद्याधर मात्रे, उनके साथ नॉनस्टैक एंड के ऊपर बल्लेबाज स्वप्निल मुंगा जी, इनके ऊपर यहाँ पर जरूर टीम के कप्तान ने भरोसा जताया लेकिन भरोसा जताने वाले बल्लेबाजी होना जरूरी है. गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी के माध्यम से सुवीर स्पोर्ट के माध्यम से हमें नजर आएंगे मैंड ऑफ पावर सर्कल में जिनके ऊपर पहले ओवर का यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया भाई गेंदबाज अभिजीत मात्रे हमें नजर आएंगे. अभिजीत और सामने बल्लेबाज विद्याधर मात्रे पहली गेंद का सामना करेंगे. नीचे तो से देखा जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाज है यानी कि दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एंड से गेंदबाज उनके हमें नजर आएंगे और सामने बल्लेबाज विद्याधर मात्रे. फर्स्ट डिलीवरी इस वक्त देखा जाए दूसरे सत्र के यहाँ पर जारी हो चुके हैं. गेंदबाज तैयार, पहली गेंद लेकर और द विकेट किए पहली कैच पेशकश गेंद विकेट के पीछे काफी यहाँ पर अपील बढ़िया देखने को मिली लेकिन अंपायर का इशारा तो बाद लेग ब्रेक का इशारा और लेग ब्रेक के माध्यम से यहाँ पर रनों में बढ़ोतरी हुई. एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक गेंदों के बाद जानवी स्पोर्ट के माध्यम से जानवी स्पोर्ट और बीच के निश्चित रूप से देखा जाए तो सुबह स्पोर्ट के बीच में यहाँ पर चलता हुआ मुकाबला और निश्चित रूप से देखा जाए पहले गेंद के ऊपर एक रन मुकम्मल अभिजीत मात्रे तेज तर्रार गेंदबाज जिनके ऊपर भरोसा जताया टीम के कप्तान ने
और आपने भरोसा जताने पर काम यहाँ पर गेंदबाजी के माध्यम से अपने टीम को यहाँ पर कम से कम रन खर्च करने के बाद अच्छी गेंदबाजी के सफर दिखाएंगे क्या। और ये गेंद काफी रफ्तार थी, यहाँ पर विकेट कीपर को चकमा दिया और चकमा देने वाले गेंद के ऊपर नंबर आएंगे चार और चार के साथ पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर दो गेंदों के बाद। बेहतरीन यहाँ पर संगीत हमें डीजे मास्टर के माध्यम से देखने को मिलता बा। निश्चित रूप से देखा जाए तो कई यहाँ पर संघर्ष के बाद डिबा पाटिल साहब का हमें नाम देखने को मिलेगा इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। और गेंद मारने का प्रयास और वाइड का इशारा था, ऑफसाइड के रीजन में काफी यहाँ पर गेंद बाहर जा चुके। संजय गायकवाड आणि विनायक गायकवाड या दोघांनी जर झेल पकडला ना तर प्रेमचंद दादांकडून 500 रुपये या दोघांना दिले जातील प्रत्येक कॅचसाठी, म्हणजे प्रेम आहे तुमच्यावरती। टप्पा चेंडू पकडला तरी पण तुम्हाला 500 भेटतील, फुल टॉसची गरज नाहीये, टप्पा तरी पकडला तरी। जो जुना खेळ होता ना क्रिकेटचा, एक टप्पा पकडा, एक टप्पा, तिसरा टप्पा नको। तो मैदान के अंदर जाएंगे, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। एक बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत देखने को मिलती है जानवी स्पोर्ट के माध्यम से आरंभिक बल्लेबाज विद्याधर और स्वप्निल के बीच में। गेंदबाज तैयार अभिजीत तेतर्रा, इस गेंद को क्लांस किया, गेंद बिल्कुल नहीं रुकी, आउटफील्ड काफी फास्ट, गेंद फिर से एक बार फर्रार, यहां पर आता हुआ JWR चौका 4 रनों के लिए। सात रनों में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जाता हुआ नीचे दो से दो अंकों में 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। एक बेहतरीन शुरुआत, गेंदबाज अभिजीत फिर से तैयार, इस गेंद को टैप किया, गेंद यहाँ पर ट्रैवल करके एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी मौजूद है, शॉट एक्स्ट्रा कवर का रीजन का खिलाड़ी जब तक तो गेंद को पकड़ पाएगा तब तक यहाँ पर एक रन मुकम्मल और एक के साथ रनों में बढ़ोतरी 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 64 रन बनाने, उसी बीच में यहाँ पर 11 रन बन चुके अब तक 4 गेंदों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त जानवी स्पोर्ट टीम के माध्यम से। इसी प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर जारी रहेगी तो इस मुकाबले में अच्छे यहाँ पर पैदाम पर हमें देखने को मिलेगी। जानवी टीम यहाँ पर काफी बढ़िया स्ट्रोक और वहां पर खिलाड़ी मौजूद था पॉइंट के रिजर्व में, उनके हाथ में गेंद को खेल बैठे और पहली सफलता यानी कि बल्लेबाज विद्याधर बैक टू द डगआउट हमें नजर आएंगे। तो यहाँ पर लहू गायकवाड़ हमें नजर आएंगे बल्लेबाजी के लिए और एक रन आएगा, एक रन के साथ रनों में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तकरीबन एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, एक ओवर के बाद 12 रन एक विकेट के नुकसान पर जानवी स्पोर्ट के माध्यम से हमें नजर आते हुए। तो निश्चित यहाँ पर शुरुआत की थी बल्लेबाज विद्याधर मात्रे ने, उनके साथ स्वप्निल मुंग बल्लेबाज ने और उसके बाद देखा जाए तो एक ओवर में बनाए तकरीबन 12 रन और एक विकेट का यहाँ पर पतन हो चुका है। नए बल्लेबाज वनडाउन के स्वरूप में लहू गायकवाड़ हमें नजर आते हुए
गेंदबाजी के माध्यम से अभिजीत मात्रे जिन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी का जरूर मुजाहरा दिखाया था। पहले चार गेंदों में रन खचके थे लेकिन आखिर के दो गेंदों के ऊपर कमबैक हमें नजर आता हुआ। बघा सुवीर स्पोर्ट्स 25 मिनिटांमध्ये तुम्हाला बॉलिंग समाप्त करायची आहे, जास्त वेळ घेऊ नका। 12 संघ आहेत आणि 18-20 मॅचेस आहेत आपल्याला खेळवायच्या, तो वेळ आपल्याकडे पुरला पाहिजे तेवढा, थोडा स्पीडअप करा प्लीज। सोनू तो निश्चित यहाँ पर टाइम इज क्वालिफाइड, यहाँ पर समय को आपको पूरी तरह से देखना चाहिए तो अच्छा सम्मान देना जरूरी है। उसी बीच में गेंदबाज हमें नजर आएंगे ओवला गांव एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए हमें गेंदबाज नजर आते हुए पिटू के दूसरे सत्र के लिए। बघा संजय गायकवाड़ आणि विनायक गायकवाड़ टप्पा चेंडू जरी पकड़ला ना तरी 500 प्रेमचंद दादाकडून तुमच्यासाठी प्रेम आहे, म्हणजे कॅच सुटली आणि टप्पा पकडला तरी तुम्हाला 500। बघा रिवॉल्व मात्रे सर क्या बात आहे, काहीतरी नवीन ऐकायला भेटलं इथे पाहायला मिळालं। त्या पर अश्विन गेंदबाज नजर आते बे, ये गेंद काफी यहाँ पर देखा जो ऑफसाइड के रीजन में बाहर जाती हुई और अंपायर का इशारा तो वाह वाइड के माध्यम से 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए गेंदबाजी के माध्यम से निश्चित रूप से अश्विन पाटिल के ऊपर जरूर भरोसा जताया लेकिन भरोसे कामगिरी कर पाएंगे क्या ये देखने वाली बात होगी। मारी का प्रयास स्टॉपेज गेंद हवा में ले रही खिलाड़ी गेंद के नीचे क्वांटम बोल्ड का शिकार होता हुआ एक और विकेट का उत्पादन बल्लेबाज लहू गायकवाड़ बैक टू द डगआउट। बल्लेबाज मैदान के अंदर नजर आएंगे चौथे नंबर के लिए मेडल ऑर्डर के बल्लेबाज यानी कि देखा जाए तो अजय जी गायकवाड़ इनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहेगी टीम क्योंकि मेडल ऑर्डर की बल्लेबाज एक शानदार बल्लेबाजी मानी जाती है लेकिन तकरीबन 7 गेंदों में 2 विकेट गंवाए और 13 रन मैच स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए एक तरफ स्वप्निल मुंगासी बल्लेबाज जिनके माध्यम से 9 रन आ चुके लेकिन वो नॉस्टाक एंड के ऊपर हमें नजर आते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेना जरूरी है इस वक्त जानवी स्पोर्ट के माध्यम से देखा जाए तो इतके को खेला खिलाड़ी मौजूद एक और सफलता एक और यहाँ पर मिलता हुआ विकेट मिड विकेट के रिजर्व में बल्लेबाज अजय बैक टू द डगआउट। मांग की जा चुकी है तो मैदान के अंदर यहाँ पर जरूर हम टीम मैनेजमेंट के यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे आइए तीसरे अंपायर के लिए। तो निश्चित यहाँ पर बीमार के यहाँ पर लिए मांग कर चुके और तीसरे अंपायर के माध्यम से यहाँ पर आपको जताया जाएगा। तो यह दरमियान रायगढ़ ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट के अध्यक्ष सन्मान्य राकेश दादा गायकवाड यांचे शुभागमन झाले, त्यांचा संघ आयश स्पोर्ट्स आहे आणि यानंतर तो मैदानात उतरणार लेपर्ड्स चंदन यांच्या टीमच्या विरोधात। जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये। तो यहाँ पर बल्लेबाज के बारे का अंत रहेगा पूरी तरह से यहाँ पर लीगल डिलीवरी हमें देखने को मिलती है गेंदबाज के माध्यम से फुल लेंथ यहाँ पर लेंथ की गेंद थी और इसके बीच विकेट गिरता हुआ तीसरा बल्लेबाज अजय गायकवाड़ यहाँ पर गोल्डन डक शिकार हो चुके हैं और मैदान से बाहर जाएंगे और पूरी तरह से जानवी स्पोर्ट टीम को इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो मैदान के अंदर आउट होने हुए अजय गायकवाड़ के माध्यम से नजर आते हुए सुवीर स्पोर्ट बेहतरीन गेंदबाजी। तो अगले बल्लेबाज का कौन सा चयन किया जाएगा क्योंकि एक तरफ विकेट का यहाँ पर सिलसिला जारी हो चुका है और प्रेशर में नजर आते भी नॉस्टा गेम के ऊपर स्वप्न जरूर है जिनके बल्ले से 2 चौके आए लेकिन एक मैराथन इनिंग खेलने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करना यहाँ पर जरूरी है। तर आज आपण पाहू शकाल जी स्नेह भोजनाची व्यवस्था आदरणीय व्यक्तिमत्व ग्रामपंचायत सदस्य तर आनंदी चंद्रकांत पाटील यांच्या चिरंजीव यांच्या माध्यमातून
प्रेमचंद चंद्रकांतजी पाटील यांच्या माध्यमातून आम्हाला सुविधा उपलब्ध झाली, त्यांचंही करूया स्वागत. अन्नदादा सदा सुखी भव असं म्हटलं जातं त्यांचं कार्य, त्यांचंही आपण स्वागत करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून. तनिशी जी खेला इस गेंद के ऊपर जाएगा छक्का, छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और निश्चित रूप से देखा जाए तो कुछ स्कोर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर नजर आएंगे. यहाँ पर स्कोर के ऊपर नजर डालने के बाद 19 रन. तो यहाँ पर छक्का दबा, छक्के के साथ 19 रन. गेंदबाज फिर से एक बार अश्विन तैयार होते हुए मारने का प्रयास, हेलीकॉप्टर लॉन्च करने का जरूर प्रयास करें. ऑफसाइड के रिजर्व में यहाँ पर ऑप्स्टिक को छोड़ते हुए गेंद और अंपायर के माध्यम से वाइड का इशारा दबा. एक के साथ रनों में बढ़ोते 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. तकरीबन यहाँ पर देखा जाए 44 रन बनाने आने वाले गेंदों के ऊपर 20 रन बन चुके हैं इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली जाह्नवी स्पोर्ट टीम के, और 3 विकेट भी जा चुके हैं. ये काफी यहाँ पर देखा जाए तो सोचने वाली बात होगी. गेंद के यहाँ पर लेन देखनी पड़ेगी. फिर से एक बार वाइड का इशारा आता हुआ 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. सामने बल्लेबाज निश्चित रूप से देखा जाए तो साजन मुंगाजी जिनके बल्ले से आता बाद छक्का, और उनके साथ स्वप्निल मुंगाजी बल्लेबाज. गेंदबाज हमें नजर आएंगे अश्विन पाटिल. गेंदबाजी के माध्यम से इस प्रतियोगिता के काफी बड़े निश्चित रूप से देखा जाए तो यानी कि अच्छे व्यक्तिमत्व और उनके माध्यम से हमें गेंदबाजी की यहाँ पर कमान देखने को मिलती भी. लेकिन काफी गेंदे उन्होंने वाइड फेंकी, उसी बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी हो चुकी है. इस वक्त देखा जाए तो कुल स्कोर के बारे में बात करेंगे तो 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. फिर से एक बार अश्विन तैयार होते हुए और अराउंड विकेट की गेंद, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया था. गेंद यहाँ पर ट्राइबल करेगी लॉन्गर रिजर्व में, खिलाड़ी डीप में मौजूद है. एक रन मुकम्मल और एक के साथ रनों में बढ़ोतरी 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. इस ओवर की गेंदों के बारे में बात करेंगे तो अब तक 4 गेंदे फेंकी जा चुके हैं, 2 गेंदों का शेष रहेगा. पीटू का दूसरा सत्र जारी होता हुआ. पहले सत्र में अभिजीत को हमने देखा, उन्होंने 12 रन खर्च किए, लेकिन दूसरे सत्र की शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी के लिए अश्विन ने 2 विकेट छटकाए, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी खराब गेंदबाजी उनके में नजर आते हुए. ये गेंद यहाँ पर टॉप एज खिलाड़ी मौजूद और विकेट कीपर के दस्तों में जाने वाली गेंद, और बल्लेबाज निश्चित रूप से देखा जाए तो स्वप्निल विनय पाटिल का यहाँ पर खेल समाप्त हो चुका है और एक और मिलते भी सफलता. अगं आयन स्पोर्ट्सचे खेळाडू, त्या बॅनरजवळ तुम्ही बसू नका. आयन स्पोर्ट्स ब्लॅक स्क्रीनच्या समोर जे खेळाडू बसले आहेत, आयोजकाची सूचना आहे, खुर्च्या तुम्ही दुसरीकडे घेऊन जा. और ये गेंद खिलाड़ी मौजूद आहे लॉन्गर रिजर्व में. बघा जिथे बॉल गेला तिथे प्रेक्षकांनी बसू नका त्या स्क्रीन जवळ. आयोजकांनी सांगितले तुम्ही दुसऱ्याकडे सावलीमध्ये बसा, कारण लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू आहे ना. समोरच्या कॅमेऱ्यामध्ये जेव्हा तुम्ही दिसता ती स्पर्धा प्रोफेशनल वाटत नाही. आता तुम्ही जेव्हा नाही तेव्हा प्रोफेशनल वाटते, कारण तो बॅनर दिसला पाहिजे जे डब्ल्यूचा. चला प्रेक्षकांना विनंती, खुर्च्या बाजूला काढा, तिथे बसू नका. तुम्हाला आहेत आयन स्पोर्ट्सचा डगआउट आहे तुमच्यासाठी. प्रत्येक टीमला डगआउट दिला आहे, सावली आहे, तिथे बसा तुम्ही. त्यामुळे आपली मोठी स्पर्धा जे डब्ल्यू, तो बॅनर पूर्ण दिसला पाहिजे. प्रोफेशनल क्रिकेट आहे आणि प्रोफेशनल स्पर्धा असल्यावर आपण तितका नीट नेटकेपणा ठेवला पाहिजे. तो 2 ओवर के बाद 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. तकरीबन 4 विकेट के बाद यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली जाह्नवी स्पोर्ट के माध्यम से हमें नजर आता हुआ बेहतरीन यहाँ पर क्रिकेट हमें मैदान के अंदर देखने को मिलता हुआ. एक तरफ गेंदबाजी और एक तरफ बल्लेबाजी. गेंदबाजी काफी कसी भी नजर आई अश्विन के निश्चित से, अश्विन पाटिल के माध्यम से तकरीबन 3 विकेट छटकाए.
और 26 रन, दो ओवर के बाद 26 रन, 13 ओवर प्रति ओवर का यहाँ पर रन रेट हमें देखने को मिलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली जानवी स्पोर्ट के माध्यम से। नए गेंदबाज का चयन किया जाएगा, गेंदबाजी के माध्यम से यहाँ पर तेज तर्रार यहाँ पर देखा जाए गेंदबाज अभिजीत मात्रा में नजर आएंगे। उच्च कद के गेंदबाज है, पहले ओवर में उन्होंने मैच 12 रन खर्च किए थे और दूसरे ओवर में उनका चयन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो सामने बल्लेबाज नजर आएंगे कौस्तुभ और साजन मुंगाजी। साजन भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है, उनके बल्ले से एक छक्का जरूर यहाँ पर हमें देखने को मिला, लेकिन अपने टीम को यदि मुकाबला जीतना है तो यहाँ पर साजन को आखिरी गेंद के ऊपर यहाँ पर अपना खेल दिखाना जरूर रहेगा, क्योंकि तकरीबन देखा जाए 26 रन बन चुके, लेकिन आने वाले सत्र में आधी लड़ाई यहाँ पर बाकी है बल्लेबाजी करने वाली इस वक्त जानवी स्पोर्ट टीम के माध्यम से। गेंदबाज तैयार, अभिजीत हमें नजर आएंगे तेज तर्रार उच्च कद के खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, और दो विकेट की है पहली पेशकश। गेंद यहाँ पर पॉइंट करी, जब खिलाड़ी मौजूद है पहले स्लिप में यहाँ पर काफी यहाँ पर देखा जो तो प्रयास किया था और वहां से होती हुई कैच ड्रॉप और मिलता हुआ मौका बल्लेबाज को। विराज गायकवाड़ टप्पा, विनायक गायकवाड़ टप्पा चेंडू भेटला नाही, कॅच पण गेली, तिसरा टप्पा चालणार नाही, फक्त एकच टप्पा होता। 500 गेले प्रेमचंद दादांकडून होते त्यांच्यासाठी, आणि प्रेमचंद दादा म्हटले तर ग्रामपंचायत सदस्य निश्चित त्यांचा उल्लेख आपण करूया, त्यांच्या आई ग्रामपंचायत सदस्य होत्या आणि त्यांच्याकडून हे कॅश प्राईज होते। आहेत आता प्रेमचंद पाटील साहेब, तुम्हाला शुभेच्छा आणि त्यांच्याकडून जेवणाची सोय आहे आज। इस गेम को खेलने का प्रयास गेंद यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, खिलाड़ी मौजूद है उनके गिरफ से बाहर और दो खिलाड़ी के बीच में जाता है शानदार चौका। रफ्तार से यहाँ पर स्ट्रोक कन्वर्ट किया बल्लेबाजी के माध्यम से बल्लेबाज साजन मुंगाजी ने और यहाँ पर मेहता भाई चौका, चौके के साथ रनों की गति बढ़ते हुए 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहाँ पर 34 रनों की जरूरत होगी मुकाबला जीतने के लिए, 64 का टारगेट यहाँ पर सेट कर चुकी थी बल्लेबाज बल्लेबाजी के माध्यम से सुवीर स्पोर्ट माध्यम ने। और उसी बीच मैदान के अंदर जानवी स्पोर्ट काफी यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन हमें देखने को मिलता हुआ। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, गेंदबाजी के माध्यम से अभिजीत मात्रे, अभिजीत के तेज तर्रार वाली गेंद हमें नजर आती हुई और यहाँ से जाएगी डॉट, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 30 रनों के ऊपर। और इस ओवर की तकरीबन 3 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि 15 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए चाहिए पर 34 रन। मुकाबला अभी भी दोनों टीमों के लिए बैलेंस है, मुकाबला अभी भी दोनों टीमों के लिए खुला है, लेकिन यहाँ से जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वो टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। एक तरफ देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी करने वाली टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में अपने आप पर शिकंजा कसते भी और सफलता मिलते भी बल्लेबाज गेंदबाज अभिजीत मात्रे को और बल्लेबाज निश्चित रूप से साजन मुंगाजी बैक टू द डगआउट। बघा जे 12 संघ आहेत ना ओले प्रीमियर लीगमध्ये, तुमच्या स्कॉडचा फोटो पाठवा। बघा लाईव्हला आता लेपटचा फोटो होता, वंश अँड स्वरा यांच्या स्कॉडचा फोटो आहे, तुम्ही आयोजकांना फोटो पाठवा आणि तुमच्या स्क्रीनवरती ते फोटो येतील पूर्ण स्कॉडचे टी शर्ट सोबत, ते लवकर करा प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स। गेंदबाज तयार होतो वा, इस गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद यहाँ पर कार्पेट के माध्यम से नजर आते भी, लॉन्ग ऑन रिजर्व में खिलाड़ी मौजूद है, तब तक एक रन मुकम्मल होता हुआ, एक रन के साथ रनों की गति बढ़ती हुई थी 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तकरीबन इस ओवर की 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, अभिजीत मात्रे की गेंदबाजी काफी यहाँ पर कसी भी नजर आती हुई, तकरीबन 5 गेंदों में 6 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट अपने टीम के लिए छटकाई वही गेंदबाज। फिर से एक बात यार, इस गेंद को खेला हवा में खिलाड़ी मौजूद, उनके गिरफ्त में गेंद लॉन्ग ऑन के रिजर्व में, एक और सफलता बल्लेबाज आकाश मात्रे बैक टू द डगआउट।
अब तो चुका है 3 ओवर में कुल स्कोर के बारे में बात करेंगे तो 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तकरीबन 6 विकेट जा चुके हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये रन बनना काफी मुश्किल रख रहा है इस वक्त जाह्नवी स्पोर्ट के लिए। यहाँ से एक आधा करिश्माई बल्लेबाजी यदि हमें देखने को मिलेगी तो मुकाबले में मजा आएगा। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन, तो 12 गेंदों का खेल शेष रहेगा और नए बल्लेबाज मैदान के हमें नजर आएंगे जिसके ऊपर उनके टीम के कप्तान यहाँ पर भरोसा जताया था वही शक्ति गायकवाड़ नजर आएंगे। सव्वीस आणि पाच 31 होतात म्हणजे परफेक्ट धावा आहेत। 31 रन प्रोफेशनल स्कोरर रे यहाँ पर आप निश्चित रूप से उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। उनके माध्यम से काफी बढ़िया हमें स्कोरिंग देखने को मिलती है। अभी उनका भी करेंगे स्वागत, जाएंगे मैदान के अंदर। 12 गेंदों का शेष रहेगा। नए गेंदबाज गेंदबाजी के माध्यम से नजर आएंगे सुदर्शन मात्रे गेंदबाज, सामने बल्लेबाज कौस्तुभ रहेंगे, आकाश मात्र रहेंगे, कौस्तुभ आउट हो चुके और शक्ति गायकवाड़ टीम के यहाँ पर देखा जाए तो कप्तान ने टॉस उड़ाया तब उन्होंने कहा था कि शक्ति गायकवाड़ के ऊपर पूरी तरह से हमारी टीम निर्भर रहेगी। वही शक्ति गायकवाड़ हमें मैदान के अंदर इन एक्शन में देखने को मिलेंगे। 12 गेंदे यहाँ पर 33 रनों की जरूरत हुई। गेंदबाज तैयार, फर्स्ट डिलीवरी गेंद को खेला, गेंद यहाँ पर ट्रैवल करेगी, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उनके गिरफ्त से बाहर गेंद सीमा पार 6 रन के लिए बड़ा छक्का। के अंदर देख सकते हैं निश्चित रूप से प्रवीण आकाश मात्रे जो छक्के के साथ शुरुआत कर रहा है, यानी कि बल्लेबाजी की गहराई काफी में जाह्नवी स्पोर्ट के माध्यम से नजर आती भी, यानी कि ये रन भी चेस हो सकते हैं छक्के के साथ। रन में बढ़ोतरी 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार प्रहार होता हुआ, गेंद हवा में लहराई, खिलाड़ी मौजूद, उनके गिरफ्त में गेंद, अभिजीत रहेंगे गेंद के नीचे और यहाँ पर मिलते भी सफलता गेंदबाजी के माध्यम से। निश्चित रूप से देखा जाए तो गेंदबाज सुदर्शन मात्रे को आज श्रेयस मुंगाजी नजर आएंगे। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलते भाई सुदर्शन मात्रे 34 ओवर लेकर गेंदबाजी के माध्यम से, जिन्हें पहले गेंद के ऊपर छक्का जरूर यहाँ पर खर्च किया था लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर कमबैक हमें देखने को मिलता था, यानी कि देखा जाए तो एक तुम्हारी तो एक हमारी ऐसा मुकाबला मैदान के अंदर सुदर्शन के माध्यम से हमें देखने को मिलता था। फिर से एक बार फ्रंट फुट का इस्तेमाल, गेंद यहाँ पर ट्रैवल करती हुई लॉन्ग ऑफ रिजर्व में, खिलाड़ी डीप में मौजूद है, सिंगल मुकम्मल और सिंगल के साथ रनों में बढ़ोतरी 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अट्ठाईस रनों की जरूरत, गेंदबाजी के माध्यम से गेंदबाज सुदर्शन फिर से एक बार तैयार रहेंगे। 9 गेंदे 28 की जरूरत जाह्नवी स्पोर्ट के लिए, 26 की जरूरत रहेगी, 38 यहाँ पर 38 रन हो चुके हैं यानी कि 9 गेंदे 26 की जरूरत। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए सुदर्शन, यहाँ से मुकाबला बन सकता है यानी कि एक आध बड़ा हिट, इस 3 गेंदों में 2 बड़ी हिट आएंगे तो मुकाबले में फिर से एक बार वापसी कर सकते हैं जाह्नवी स्पोर्ट। सामने बल्लेबाज शक्ति, शक्ति के लिए गेंद, वाइड का यहाँ पर इजहार होता हुआ और वाइड के माध्यम से रनों में बढ़ोतरी होती हुई 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो यहां से देखा जाए तो 9 गेंदे 25 की जरूरत। मुकाबला अभी तक देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए बराबर खुला हुआ लेकिन यहां से जो टीम गलती करेगी वह यहाँ पर मुकाबले को पूरी तरह से गवा सकती है लेकिन जो टीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है इस मुकाबले में वो टीम हमें विजेता देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर शक्ति के बल्ले से निश्चित रूप से जाता हुआ लॉन्ग स्टॉप रिजम है और ये चौका आता हुआ और 4 के साथ रन में बढ़ती थी 43 रन 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
गेंदे 21 रन, मुकाबला अभी भी बन सकता है, मुकाबला में अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो जानवी स्पोर्ट्स में जिंदा नजर आते भी बेहतरीन यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिलता बा अवले प्रीमियर लीग यानी कि देखा जाए तो ओपीएल का ये बड़ा मंजर। इस मंजर के बीच में एक और यहाँ पर आता बा डॉट गेंद, 7 गेंदे 21 की जरूरत, 7-21 के आवश्यक समीकरण में देखने को मिलता बा। यानी कि देखा जाए तो पहले क्रम के जो बल्लेबाज थे निश्चित रूप से विद्याधर मात्रे उनके रहेंगे, उसके बाद लोग गायकवाड़ रहेंगे, अजय गायकवाड़ इनके बल्ले से अगर एक दूसरे बड़े यहाँ पर चौका छक्का नजर आता तो मुकाबले में पूरी तरह से बल्लेबाजी करने वाली टीम वापसी कर सकती थी। तूतू में यहाँ पर आएगा फिर से एक बार डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति चुके हो 1-4 ओवर के बाद कुल स्कोर की यदि बात करेंगे तो 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आने वाली 6 गेंदे 21 की जरूरत। सुवीर स्पोर्ट्स बघा 25 मिनटं तुमच्याकडे बघता आहेत, जास्त वेळ घेतला तर पॅनल्टी तुम्हाला मिळू शकते, जास्त वेळ घेऊ नका, आयोजक आम्हाला सांगतायत फिल्डिंग लगेच सेटअप करा, टीम मीटिंग जास्त घेऊ नका, शॉर्ट टीम मीटिंग। तर 6 गेंदे 21 रन की जरूरत, गेंदबाजी के माध्यम से नहीं गेंदबाज का यहाँ पर चयन किया जा रहा है जिनके ऊपर पूरी तरह से दारोमदार रहेगी सामने बल्लेबाज। निश्चित रूप से देखा जाए तो हमें शक्ति निश्चित शक्ति गायकवाड़ उनके साथ श्रेयस मुंगाजी नजर आते हुए विनय पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार। 6-21 का समीकरण, पहले 3 गेंद प्रवीण काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगी, पहले 3 गेंदों में यहाँ पर एक का दूसरा बड़ा हिट आएगा तो मुकाबले में फिर से एक बार जानवी स्पोर्ट्स में नजर आएगी। गेंदबाज तैयार, नए नाम देख सकते हैं काफी यहाँ पर उच्च कद के गेंदबाज है और बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो 6 गेंदों में 21 रन बचाने होंगे क्योंकि निश्चित तौर से तकरीबन देखा जाए तो गेंदबाजी के मजे अभिजीत ने उनके साथ हर गेंदबाजी काफी यहाँ पर कमाल गेंदबाजी की थी, लेकिन ये गेंद खिलाड़ी मौजूद और गलती को मिलता हुआ यहाँ पर चौके के साथ यहाँ पर रनों में बढ़ोतरी 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। के साथ 47 रन, अब यहां से देखा जाए तो बनाने होंगे 5 गेंदों में 17 रन, 5-17 का समीकरण में देखने को मिलता है। मुकाबले अंदर काफी यहां पर गर्मा गर्मी मुकाबला में देखने को मिलता है सुवीर स्पोर्ट और जानवी स्पोर्ट के बीच में। गेंदबाज तैयार, फ्रंट फुट का इस्तेमाल, गेंद यहां पर हवा में ले रही, खिलाड़ी मौजूद उनके ग्रिप से बाहर और यहां पर आता बल्लेबाज के माध्यम से एक और शानदार चौका। मैंने पहले कहा था पहले यहां पर 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होगी जानवी स्पोर्ट के माध्यम से और 3 गेंदों के ऊपर तकरीबन 2 गेंदों के बाद 2 चौके यहां पर जड़े बल्लेबाज श्रेयस ने और मुकाबले में फिर से एक बार जानवी स्पोर्ट टीम को लेके आ चुके। अभी यहां से बनाने के 4 गेंदे 13 का समीकरण, 4-13 का समीकरण, कौन इस मुकाबले में जीतेगा, एक तरफ जानवी स्पोर्ट और दूसरी तरफ सुवीर स्पोर्ट के बीच में यहां पर कड़ा संघर्ष में नजर आता हुआ बेहतरीन बल्लेबाजी श्रेयस मुंगाजी अभी तक इस मुकाबले को छोड़ने का यहाँ पर मन नहीं बना रहे, काफी बढ़िया बल्लेबाजी उनके माध्यम से में नजर आते हुए 4-13। फिर से बाहर फ्रंट फुट, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन यहां से मिलेगा सिंगल, दूसरे का प्रयास किया जाएगा क्या, जरूर, और यहां पर मिलता हुआ यह दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ, 2 के साथ समीकरण में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, आने वाले 3 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए 11 की जरूरत, 3-11 का समीकरण, यहां से भी एक बड़ा हिट मुकाबले में फिर से एक बार देखा जाए तो जानवी स्पोर्ट टीम का पर पूरी तरह से वर्चस्व निर्माण कर सकती है और यहां से एक डॉट गेंद मुकाबले में वापसी करा सकती है गेंदबाजी करने वाली सुवीर स्पोर्ट टीम के लिए। काफी कड़ा संघर्ष हमें देखने को मिलता हुआ, यानी कि पूरी तरह से 3 गेंदों में यहाँ पर 11 रन बनाएंगे तो मुकाबले यहाँ पर जीत सकती है जानवी स्पोर्ट टीम। नयन गेंदबाज फिर से एक बात है यार, फ्रंट फुट का इस्तेमाल, फिर से बाद उसी दिशा में खेला, खिलाड़ी मौजूद है, एक रन मुकम्मल, दूसरे का प्रयास,
क्या जाएगा क्या? जरूर। और यहाँ पर फिर से एक बार दोहरा मुकम्मल होते हुए दो के साथ स्कोर जाता हुआ 55 रन आने वाली दो गेंदे और नौ की जरूरत। लेकिन इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आना जरूरी है। यदि इस गेंद के ऊपर छक्का आएगा तो रहेंगे एक गेंद के ऊपर 3 रन। और अभी तक इस मुकाबले में एक गेंद में 3 रन में हमने बनते हुए नहीं देखे। लेकिन यहां से मशक्कत करनी पड़ेगी जानवी स्पोर्ट टीम के बल्लेबाज शक्ति गायकवाड़ उनके साथ श्रेयस मुंगा जी को। यानी कि श्रेयस मुंगा जी के ऊपर पूरी तरह से डिफेंड है इस वक्त जानवी स्पोर्ट टीम का भवितव्य। क्या इस गेंद के ऊपर छक्का आएगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। दो चौके बात नहीं बनेगी और यहाँ पर एक छक्का और एक यहाँ पर चौका आएगा तो मुकाबला जीत सकती है इस वक्त जानवी स्पोर्ट टीम। तो दो गेंदे 9 रनों की जरूरत। गेंदबाज नहीं है तैयार, विनय तैयार गेंदबाजी के माध्यम से नजर आते हुए। दो नौ की जरूरत है, गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी। इस गेंद के ऊपर प्रहार होना जरूरी है। लेकिन एक गेंद जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, उनके गिरफ्त में गेंद से यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ दूसरे का प्रयास। दो रन तो जरूर बने लेकिन यहाँ पर तीसरे का प्रयास किया जाएगा क्या? और रनआउट के स्वरूप में यहाँ पर विकेट गिर चुका है बल्लेबाज निश्चित से श्रेयस मुंगा जी को। यहाँ पर मैदान छोड़ना पड़ेगा। रहने वाली एक गेंद और जरूरत होगी मुकाबला जीतने के लिए 7 रनों की। एक गेंद का यहाँ पर खेल शेष रहेगा, 7 रनों की जरूरत। एकाध वाइड और एकाध छक्का इस मुकाबले में फिर से एक बार जानवी टीम को जिता सकते हैं। देखिए मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मैं जरूर जिक्र करूंगा। गेंदबाज अभिजीत मात्रे का जिन्होंने 30 ओवर फेंका था तकरीबन। बेहतरीन गेंदबाजी 5 रन और यहां से देखा जाए तो महेश 1 रन से यहाँ पर मुकाबला गंवा चुकी है। इस वक्त देखा जाए तो जानवी स्पोर्ट टीम स्कोर इज लेवल। लेकिन यहाँ पर डिसीजन रहेगा कंपोजिट चेसिंग या स्कोर इज लेवल, डिसीजन क्या रहेगा? सुपर ओवर कंपोजिट चेसिंग, सुपर ओवर की कंपल्सरी चेसिंग चा नियम आधी सांगितला होता। तो यह मुकाबला गवाना पड़ेगा जानवी स्पोर्ट टीम को। मैं से 1 रन से यहाँ पर मुकाबला हारी है। बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन रहा और बेहतरीन क्रिकेट में देखने को मिला। मैं जरूर तारीफ करूंगा बल्लेबाज शक्ति की और बल्लेबाज श्रेयस की जिन्होंने मुकाबले में जान फूकने का काम किया। तकरीबन 8 और 9 नंबर के बल्लेबाज थे और मैं से 1 रन से मुकाबला गवा चुकी है। तो इन्हें अक्षर में देखने को मिलेगा।